हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं गुजकेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चे लोग, हमारा 12 साइंस का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन, यस चैप्टर नंबर 2, यानी तो उसके लास्ट 15 ईयर्स के PYQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट बच्चे लोग, आई होप कि आप लोगों ने गुजकेट 2021 की प्रिपरेशन अच्छी तरह से स्टार्ट कर दी होगी। और इस चैनल पे जो मैं सीरीज ये PYQs की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिनका मैंने यस्टरडे एक सेशन ले लिया है, वो बच्चे, जो बच्चे अभी मेरे सेशन में जुड़े नहीं हैं लेकिन इस चैनल पे PYQs देख रहे हैं, तो वो बच्चे प्लीज़ ये पूरी सीरीज आप देखना। और जो भी ये पूरी सीरीज में आज हम 15 ईयर्स के टोटल 35 अराउंड 40, मतलब एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो 38 नियरली हम क्वेश्चन आज PYQs के डिस्कस करने वाले। और ये सारे क्वेश्चन हम इतने मजे से, इतने हम पीसफुल माइंड से डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने ये पूरा देख लिया सेशन, तो आई होप कि आपको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। राइट बच्चे लोग, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 15 ईयर्स के PYQs। तो मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको PYQs वाला सेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं PPT में आ गया हूं। यस बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं गुजकेट 2006 से। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। राइट, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो गुजकेट के जो प्रीवियस, मतलब कि जो 15 ईयर्स है, उस 15 ईयर्स में पहले वाले 5 ईयर्स मीन्स के गुजकेट 2006 से देखा जाए तो 9, 10, 11 तक थोड़े इजी क्वेश्चन आते थे। देन 11 जो गुजकेट का 2011 का पेपर था, वहां से थोड़ा क्वेश्चन का टफनेस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि 2012 13 13 से धीरे धीरे 13 14 से ये जेई और नीट इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऑब्वियसली गुजकेट का भी लेवल थोड़ा बढ़ा। तो 13 14 15 16 ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा। और उसके बाद जैसे गुजकेट 2016 17 के बाद, तो आप देखिएगा जैसे जैसे 2018 19 और 20 का मैं जब लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि सर ने यह स्टार्टिंग में बताया था वो सही बताया था, लेवल कैसे डे बाय डे, मतलब कि ईयर बाय ईयर ये इंप्रूव हो रहा है। राइट, ओके, मैं क्लेरिफिकेशन आपको यहां पर दे दूं कि जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, मतलब कि जिसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन बेस हम डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन में पूरा आपको बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है, फिर मैं कैलकुलेटर में वो सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला नहीं हूँ, वो आप सिंपली कैलकुलेट अपने आप भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं वो सीखने के लिए मेरे पास नहीं आए। राइट, आप मेरे पास लॉजिक सारे सीखने के लिए आए हुए। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पहले गुजकेट 2006 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट, ये जो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए उसमें से किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। राइट, तो बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे पहले किस पर पड़ता है, वॉल्यूम पर, और मोलालिटी, उसके बाद परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, फॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये जो चार जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ ये हमारा फॉर्मालिटी, वैसे देखा जाए तो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मालिटी भी एक टर्म है जिसमें फैक्टर, एक वॉल्यूम फैक्टर उसमें आता है। जैसे हमारा मोलारिटी है, नॉर्मालिटी है, तो सभी फॉर्मूला बच्चे लोग आपको पता होगा, ऐसा फॉर्मूला है 1000 × मास ऑफ सॉलिड। राइट, यहां पर अगर मोलारिटी है राइट, तो उसमें मॉलिकुलर मास आता है, अगर नॉर्मालिटी है तो इक्विवेलेंट वेट आता है, फॉर्मालिटी है तो फॉर्मल मास आता है। तो अभी टेम्पररी में इस पार्ट को अभी इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा मेन पार्ट है यहां पर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द अफेक्टिंग फैक्टर बाय टेम्परेचर। तो बच्चे लोग, टेम्परेचर की इफेक्ट वॉल्यूम पर पड़ती है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी आएगा 2017-18 में, कुछ एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन वहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो सिंपली जो फॉर्मूलाज जिनमें बेस में या किसी भी जगह पर है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वो छोड़ दीजिए, वॉल्यूम फैक्टर आता है, तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। राइट, तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, तो यहां पर आंसर हमारा बनेगा
सी ओके बच्चे लोग, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैं ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा स्कीप कर देते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सुनते हैं। तो क्या आप इस सेशन को एंजॉय करने के लिए, फटाफट खत्म करने के लिए बैठे हैं? नहीं, हम पीसफुल माइंड से, आप शांति से बैठिए। आपको डिसाइड करके रखना ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, मुझे भी नहीं पता, शायद 1 घंटे का हो जाए। तो आपको क्या करना है, दूसरा कुछ काम भी है हमारे पास क्या? हम गुजकैट की प्रिपरेशन करने बैठे हैं, और पूरे दिन में अगर 1 घंटा देकर एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो 15 डेज में हमारे 15-16 चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस सिर्फ पीसफुल माइंड से आपको ये वीडियो देखना है, नोटबुक लेकर बैठना है, जहां जहां पर आपको लगे तो स्क्रीनशॉट लेना है। आप एक अच्छा सा नोटबुक लीजिए, और जितनी भी मैं नोट्स यहां पर बता रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं ओरली बोल रहा हूं, तो आप शांति से बैठकर नोट्स बनाइए। तो हमें पूरे दिन में सिर्फ यही तो एक काम है, फिर बाकी जितने भी हमारे घंटे उसमें आप खेलिए कूदिए, वीडियो गेमिंग जो भी करना है कीजिए। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली ये देखने बैठते हैं तो आप स्पीड ज्यादा रखते हैं, वीडियो जल्दी जल्दी स्किप करते हैं, देखते पीछे सर ने क्या बताया है। अरे वीडियो देखते जाइए, सर ने अच्छा ही बताया है सब जगह पर, राइट? तो चलिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 0.04 मोलर H2SO4। जहां पर मुझे जल्दी करने की जरूरत लगेगी वहां पर मैं जल्दी ले लूंगा, राइट? तो डोंट वरी। चलिए, तो मैं पता है यहां पर हमें फाइंड करना है नॉर्मलिटी दिया हुआ है, मोलारिटी तो हमारे पास है फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होती है, बेस है तो उसकी एसिड। ऑब्वियसली वी नो दैट H2SO4 के लिए 2 है, तो 0.04 इनटू 2, तो यहां पर आंसर बनेगा हमारा सी। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन, एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हमें यहां पर पता होना चाहिए बच्चे लोग कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दिस फोर आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है बच्चे लोग। अगर आपने मेरा ये सॉल्यूशन चैप्टर का, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो 1 घंटे का बना के रखा हुआ है, वो वीडियो मैंने इस तरह से बनाया कि अगर आप गुजरात बोर्ड मतलब कि कोई भी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, XYZ स्टेट बोर्ड, आप गुजकेट की प्रिपरेशन कर, आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए एक अच्छा सा फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। और सारी डिटेल में मैंने उसमें नोट्स बता के रखा हुआ है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मेरा जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उन लोगों का मैंने एक सेशन लिया था, उन बच्चों को भी मैंने बताया था, आप प्लीज शांति से बैठकर वो वीडियो देख लीजिए। जब वो वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने ऐसा सोचकर बनाया था कि मैं एक लाइफ लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा देखेगा, अगर कोई गुजकैट की प्रिपरेशन वाला, नेट की प्रिपरेशन, JEE की प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन करने वाला बच्चा अगर वो वीडियो देखे, मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए, सारे पॉइंट उसमें कवर हो जाए, और शांति से बैठकर सिर्फ वो PPT और वो सारे नोट्स मुझे बनाने में 2-3 दिन लगे थे। मतलब एक वीडियो मुझे बनाने में, एडिटिंग करने में देखा जाए तो 4-5 दिन लग गए थे। मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, टाइम देता हूँ 4-5 दिन का, बट एक ऐसा वीडियो बना दूँ कि जब भी कोई भी बच्चा वो वीडियो देखे तो कमेंट में जरूर लिखे कि थैंक यू सर। तो आप वो वीडियो देखना 1 घंटे का शांति से, और अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं ये सर ने टाइम वेस्ट किया, जैसे बताया था वैसा कुछ वीडियो में निकला नहीं, तो नीचे कमेंट में जरूर टाइम वेस्ट ऐसा लिख देना, तो मुझे भी समझ में, और हाँ अच्छा लगे, आपको सारी नोट्स अच्छी तरह से उसमें मिल जाए तो उसमें नीचे थैंक यू भी लिख देना। क्योंकि हम जो टीचर्स है उसके लिए रेडी, डायरेक्टली आप हमारे साथ बात तो कर सकते नहीं है, तो आप हमें वीडियो में जो लाइक करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें भी मजा आता है, ये काम करने की मजा आती है। मतलब इससे मुझे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, राइट? जो रिवॉर्ड में जो मनी मिलता है यूट्यूब से, राइट, ये जो है सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं हम कि यस चलो बच्चे लोग हमें लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो बच्चे लोगों को मजा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लाइक कमेंट करते हैं तो एक हमारा फैमिली बन जाता है, राइट? कि ये बच्चे हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, वो देखते हैं, तो मुझे भी इंतजार रहते हैं चलिए ये बच्चों ने हमारा ये वीडियो देखा है या नहीं देखा है, राइट? तो उसमें मैंने नोट्स काफी डिटेल में सारे बताए हुए और टाइप करके अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सके वैसा दिया हुआ है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा आइसो टॉनिक वाला बच्चों, तो सभी में नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल्स निकालता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मोल्स,
इनटू हमें करना है एवोगैड्रो नंबर एन एंड इनटू नंबर ऑफ आयंस। चलिए पर्टिकुलरली देखा जाए तो यूरिया में, तो जो बच्चे लोग कॉन्सेंट्रेशन में आगे जो 0.1 0.2 0.1 ये जो दिया हुआ है दे आर दी मोल्स। रेडी, कैसे मोल्स कहते हैं उसको मैंने वो आगे वाले वीडियो बताया। सेम चीजें मैं रिपीट हर बार सभी वीडियो में सेम चीज मैं रिपीट 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 करता जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे कि सर के पास एक ही कंटेंट है सभी वीडियो में एक ही डाल रहा है। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली पीवाईक्यूज ऑफ गुजकेट और सभी नोट्स को डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है। अभी हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक डिस्कस करेंगे अभी सिंपली। राइट, तो चलिए पॉइंट वन, तो ऑब्वियसली पॉइंट वन एंड यूरिया में कोई डिसोसिएशन नहीं होगा तो उसका पॉइंट वन ही बनेगा आयंस। एनएससीएल में 0.1 इनटू 2 तो कंसंट्रेशन बनेगा 0.2, तो एक 0.1 दूसरा 0.2 तो देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आर नॉट द सेम, मींस कि ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है। चलिए BaCl2 वाले में देखते हैं बच्चे लोग, तो 0.2 BaCl2 में नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हो गए 3, तो टोटल बनेगा 0.6। अगेन यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होता है तो 0.2 इनटू 1 तो ये भी आइसोटोनिक नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस सेम नहीं है। चलिए NaCl वाला दूसरा ऑप्शन सी, तो 0.1 इनटू 2 अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं साइड में यहां पर लिख रहा हूं 0.1 इनटू 2 एंड सॉरी इट इज अ 0.2 और H2SO4 सर K2SO4 में 0.1 इनटू 3 तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अभी लास्ट वाला बचा है, चलिए देखते हैं 0.1 इंटू बी एन ओ थ्री ट्वाइस तो नंबर ऑफ आयंस कितने निकलेंगे 3, तो ये बनेगा 0.3 एंड एन ए टू एसओ फोर 0.1 एन ए टू एसओ फोर में 2 एन ए प्लस 1 एस ओ फोर 2 माइनस तो 3, तो दोनों में नंबर ऑफ आयंस सेम है। ये मैंने जो यहाँ पर आपको टेक्निक स्मार्ट टिप्स दिया हुआ ये पूरा मैं उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है और उस वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा तो आप डायरेक्टली वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ आयंस कंपेयर करने हैं। राइट, तो आंसर डी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जनरली जब बच्चे 2007 में ये जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं 2007 वाला, तो आप देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर इसका आता है डी। राइट, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप सोचेंगे कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कहीं पर ये नहीं लिखा। यस बच्चों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स की एग्जाम सॉरी टेक्स्ट बुक में या प्रीवियस जो 10-15 साल पहले जो टेक्स्ट बुक थे, मतलब 2007 में गुजकेट में जब जो टेक्स्ट बुक चल रहा था तब ये टेक्स्ट बुक में कंपाउंड दिया हुआ था कॉपर फेरोसाइनेट। ओके, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई थोड़ा करना चाहूंगा क्योंकि रेगुलर टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, एक वर्ड आएगा बेस्ट, दूसरा वर्ड है आर्टिफिशियल, बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेलोफेन जो है वो है, पार्चमेंट पेपर है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, दे ऑल बिहेव एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन क्वेश्चन में क्या ऐड करना चाहिए, बेस्ट, दूसरा वर्ड है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। राइट, तो आंसर डी। चलिए अभी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है -0.06 डिग्री। टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया इज यूज्ड इन 3 kg ऑफ वाटर। राइट बच्चे लोग, तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, मतलब मोलालिटी, मोलालिटी मीन्स 1000 इंटू W2 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1। तो चलिए यहां पर KF हमें दिया हुआ है 1.5 1000 W2। रेडी, हमें पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, तो ये तो हमें फाइंड करना है। M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इट इज ऑलरेडी गिवन 60 एंड 3 kg वाटर मतलब 3000 ग्राम। डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये जो माइनस दिया हुआ है इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, डिफरेंस कितना आएगा 0.6। तो बच्चे लोग आप यहां पर ये जो W2 है राइट उसको सब्जेक्ट करके इजीली पता कर सकते हैं, इसका आंसर निकल के आएगा डी 72 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते, फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एट सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया है 0.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। काफी सिंपल सा इजी सा सॉल्यूशन रहेगा। पाई इज इक्वल टू बच्चे लोग हमारे पास CRT वाला फॉर्मूला है,
सी यहां पर 0.25, आर ओके यहां पर एटमोस्फियर में है तो आर 0.082, टेम्परेचर 27 तो 300 केल्विन बनेगा और कॉन्सेंट्रेशन सी 0.25। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी 6.15। चलिए अभी 500 ml सॉल्यूशन हैज 9.8 ग्राम H2SO4, यस फाइंड दी नॉर्मलिटी। बच्चों काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी 1009.8 ग्राम हमें दिया हुआ है। बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी में यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मास, तो 98 मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइड बाय हमें 2 करते हैं मतलब 49 होगा एंड इनटू 500 ml। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका डी 0.4 ऑलरेडी नॉर्मल निकल के आ जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मैंने बोला था ना 2007-8-9 में तो एकदम सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चन। देखो 2008 में कोई ऑस्मोटिक या फिर बॉइलिंग फ्रीजिंग ऐसा कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। तो 10% W/W, ओके 500 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है, हाउ मच ग्राम ऑफ NaOH, सिंपली परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिनोमिनेटर में, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चे लोग हमें यहां पर क्या पूछा गया, हाउ मच ग्राम ऑफ NaOH, तो ऑब्वियसली ये तो मुझे पता करना है, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन 500 दिया हुआ है, परसेंटेज W/W 10 दिया है इनटू 100। तो अगर हम सब्जेक्ट करेंगे W को तो W हम यहां से निकाल पाएंगे और आंसर रहेगा बी 50 ग्राम। चलिए इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया इन सॉल्यूशन इज 200 ग्राम वाटर इज दिस, फाइंड मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी। तो सिंपली बच्चों डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, के बी इंटू 1000 इंटू चलिए W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1, राइट बच्चों। तो चलिए डेल्टा टी बी हमें यहां पर 0.5 दिया हुआ है तो मैं 0.5 ले रहा हूं, के बी मुझे पता करना है 1000, W2 मास ऑफ यूरिया तो 0.6 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 60 एंड W1 200 ग्राम वाटर सॉल्वेंट का मास, तो इजीली हम यहां से के बी निकाल सकते हैं, आंसर रहेगा सी, ओके सॉरी मैंने यहां पर टिक भी किया लेकिन एक्चुअली आंसर आएगा सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच कैट 2010 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर, वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन। बच्चों जब ये क्वेश्चन आता है ना मुझे बहुत मजा आता है समझाने में। चलिए थोड़ा शांति से देखेंगे, आपके पास टाइम तो है ना, टाइम लेकर ही व्हिच कैट के लिए हमारे सेशन में बैठना, स्किप 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 मत करते जाना, राइट, क्योंकि व्हिच कैट के लिए तो बैठे, अगर कुछ एंटरटेनमेंट करना है कुछ वीडियो गेमिंग तो हम ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, आप ये वीडियो पर है देख रहे, मतलब क्या पर्टिकुलरली गुज कैट की प्रिपरेशन के लिए ही टाइम लेकर बैठा है, राइट। तो चलिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर बच्चों, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसमें आएगा, तो हमें पता है कि एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चे लोग, डिक्रीज होता है, राइट। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसमें आएगा, तो जिसमें लेस नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली H2SO4 एंड NaCl में, NaCl में नंबर ऑफ आयंस कैसे रहेंगे, कम, तो आंसर तो हमारा इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं, बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, वन मोलर सॉल्यूशन है वन मोलर सॉल्यूशन है, दोनों बच्चे लोग NaCl के मोल्स कितने हैं, तो सेम वन मोल NaCl, इस तरफ भी वन मोल NaCl, तो नंबर ऑफ आयंस दोनों में सेम, क्योंकि यस 2Na, NaCl में 2 आयंस आते हैं ना, Na प्लस Cl माइनस, तो 2Na, इस तरफ भी 2Na भाई, तो अभी कैसे पता करेंगे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि भाई वेपर NaCl तो बनने वाला नहीं है, वेपर में कौन कन्वर्ट होता है, तो वेपर में तो कन्वर्ट होता है मेरा वाटर, राइट। तो दोनों में से अभी मुझे वाटर कंटेंट देखना पड़ेगा कि किसमें वाटर ज्यादा है, तो अगर मैं ये मोलल वाला पहला वाला लेता हूं तो उसमें पर्टिकुलरली क्या है, 1 kg मींस 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और इसमें ऑब्वियसली लेस देन
1 kg सॉल्वेंट, क्योंकि जो मोलारिटी है बच्चे लोग, ये मोलारिटी उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके 1 लीटर बनते हैं। और इसमें अगर 1 kg को मैं लीटर में लिखूंगा तो 1 लीटर भी लिख सकता हूँ वाटर है तो पर्टिकुलरली प्योर सॉल्वेंट अकेला 1 लीटर है, तो ऑब्वियसली कि इसमें नंबर ऑफ आयंस दोनों में सेम है, यस। तो फिर ये 1 लीटर वाले जो मतलब कि जो मैंने 1 मोलल जो पहला सॉल्यूशन है हमारा 1 मोलल वाला, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली जल्दी से ज्यादा वेपर फॉर्म होगा। तो हमारा आंसर यहाँ छोटू वाला एम आंसर बी आएगा, राइट। चलिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 200 ml एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी डिजॉल्व। ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे लोग, रेडी। IMP मतलब कि कैसे सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन। चलिए मैं देखता हूँ थोड़ा, 200 ml तो मुझे पता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस है बच्चे लोग, सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं, उसमें H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, राइट। तो चलिए थोड़ा मैं यहां पर देखता हूं कैसे करना है। बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 उसका डिसोसिएशन होगा तो 2H+ जनरेट हो गए, 1SO4 2-, तो बच्चे 2H+ जो निकले उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहां पर दिया हुआ है कितना, 1 मोलर। ओके, अभी यहां पर देखिए बच्चों के H2SO4 मैंने 1 मोल लिया है, राइट। तो H+ उससे डबल बनते हैं, अगर मैं 1 मोल H2SO4 लूंगा तो H+ उससे डबल आएंगे, यस। ओके, तो ऑब्वियसली मुझे, मैं रिवर्स में अगर बोलना चाहूं कि 2H+ है मतलब कि जितने H+ है उससे हाफ मोल H2SO4 के होंगे, यस। तो ऑब्वियसली कि यहां पर H+ 1 मोलर है तो ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.5 मोलर, राइट। तो H2SO4 का भी मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया। तो नाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोलारिटी की बच्चों क्या फॉर्मूला है, 1000 × मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट × वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, 1000 W2 मुझे पता करना है, मॉलिक्यूलर मास कौन सा कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड तो 98, एंड वॉल्यूम मुझे दिया है 200, एंड मोलारिटी मैंने पता कर ली कितनी, 0.5। तो मैं यहां पर W को अगर सब्जेक्ट करूंगा तो W निकल के कितना आता है, C, 9.8 ग्राम, राइट बच्चों। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो दिस इज द योर रिमेंबर इंपॉर्टेंट स्टेप, ये पता नहीं होता है बच्चों को, ये जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है वो, राइट। बढ़िया सा क्वेश्चन था ना। चलिए अभी थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऑब्वियसली बच्चों इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब के नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखना है। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, यस। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यस। नीचे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, नहीं गलत बात है, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, नहीं गलत बात है, डिक्रीज होगा, राइट। आपको ये 4 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। तो अगर ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी उससे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पहले मुझे पता चल गया ए, राइट। बाकी सी एंड डी ऑप्शन आप देख लेना। चलिए 13, व्हाट विल बी द नॉर्मल, सुपर क्वेश्चन, पीसफुल माइंड से अगर स्पीड बढ़ा रखी है तो कम कर दीजिए, शांति से देखना पड़ेगा, राइट। पीएच मुझे यहां पर दिया है 0.0, तो मुझे नॉर्मलिटी पता करनी है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गुजकेट 2010 में भी आया है, 12 में भी आया है, तो टीचर्स चॉइस क्वेश्चन है, राइट। तो ये सारा, ये जो पार्ट है ना, पीएच इज इक्वल टू 0.00, ये काफी डेंजर पार्ट है बच्चे लोग, यस। तो चलिए पता करते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर ये स्टेप समझ में आ गया, पीएच इज इक्वल टू 0.0 मतलब कि ये जो H3O+ और H+ जो भी लिख सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, 10^0, रेडी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, यस। चलो बस इनडायरेक्टली
मुझे डायरेक्टली ये नहीं दिया गया था कि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इस तरह से मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये स्टेप एक तो इंपॉर्टेंट पहले निकला, राइट। अभी दूसरा स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है, क्या ये लिखना पड़ेगा, H2SO4 गिव्स 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, जैसे हम लोगों ने आगे अभी किया था। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो ऑब्वियसली H2SO4 का इससे हाफ आएगा। यस, H2SO4 की मोलारिटी मुझे पता चल गई। यस, मुझे पता करना क्या है, नॉर्मालिटी। तो आई नो दैट नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मोलारिटी थी हमारी 0.5 इनटू मैं करूंगा 2, तो आंसर मिला निकल के आएगा 1 नॉर्मल, राइट। मतलब यहाँ पर आंसर बनेगा डी। तो बच्चे लोग, आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमें याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। ऐसा ये क्वेश्चन भी प्रीवियस से 2020 में आया था, अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन निकले थे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि 2010 तक आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद देखिए 10, 11, 12 ये 2012 में क्वेश्चन आते, तो लेवल बढ़ रहा है, राइट। चलिए अभी ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रेडी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 14 नंबर का, वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ ऑफ सॉल्यूट फॉर्म बाय गैस रेडी इन लिक्विड सॉल्वेंट, क्या कोई अलग कलर सिलेक्ट हो गया, यस ओके, पूछ के 2012 में, इजी द क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आंसर ए, राइट। यस, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, एट अ फिक्स टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ 0.3। ओके बच्चों, जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आपका माइंड पहला स्टेप ये क्लिक करना चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, यस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चे लोग 0.3 मोलर ग्लूकोज में कितने निकल के आएंगे, 0.3 × 1, क्योंकि ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं होगा, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है 0.3। तो अभी हमें देखना है कि किन में कॉन्सेंट्रेशन 0.3 निकल के आता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 पहला वाला जो 0.1 मोलर पूरा पार्ट ब्रैकेट के अंदर है, ये थोड़ा ब्रैकेट में इस तरह से कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आपको बच्चे लोग, मैं पर यहाँ पर एक हिंट दे दूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अच्छी तरह से पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर नंबर 9 है, उसमें बच्चे लोग ऐसा है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, उसमें से कभी भी कुछ भी डिसोसिएट होकर बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि दे आर बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और किसी भी कंपाउंड को अगर हम वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ओनली आयोनिक बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बच्चे लोग, राइट। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ओनली आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो मैं देखता हूं ऑप्शन बी की ओर, देखिए ऑप्शन बी में जो Na+ है, 2Na+ रेडी, एंड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो Na+ कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ आयोनिक बॉन्ड से अटैच है, मतलब कि अगर मैं इसका डिसोसिएशन करूंगा तो इसमें से 2Na+ जनरेट हो गए, एंड ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो H2O है, जो 5 टाइम्स NO2 दिया, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 2Na एक कोबाल्ट, मतलब कि 3, एक H2O हुआ 4, एंड 5NO2, मतलब कि 5 आयंस डिसोसिएट, 9। समझ के रखिए, कॉम्प्लेक्स के बाहर एक तरह का वो जेल है, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला है। तो ऑप्शन बी में बच्चे लोग रेडी क्या हुआ, 2Na+ निकले, एक पूरा कॉम्प्लेक्स निकला, तो 2 + 1 = 3 आयंस, एंड 0.1 उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हो गया 0.3। तो मेरा आंसर यहाँ पर बनेगा बी, रेडी। वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन सी भी थोड़ा देख लेते, उसमें एक क्या निकलेगा, ऑप्शन सी में Na+ निकलेगा, एंड दूसरा ये पूरा ब्रैकेट, तो नंबर ऑफ आयंस कितने, 2, तो 0.1 × 2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बना 0.2। ऑप्शन डी में बच्चे लोग क्या है, तो ऑप्शन डी भी पता कर लेते हैं, 0.1, 3Na+ निकलेंगे, तो 3 एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो आंसर बनेगा इसमें 0.4 आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, इसमें 4, इसमें 0.3, इसमें तो 0.1 ही बनेगा, और यहां पर 0.2 रेडी। आप अच्छी तरह से इसको लिख देना, मैंने थोड़ा रफली सॉल्व करके दिया है आपको, ओके। तो यहां पर आंसर हमारा बन गया बी।
दूसरा इसी तरह का एक क्वेश्चन फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हाईएस्ट वेपर प्रेशर, जिसमें नंबर हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो फिर से बच्चों नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हो गए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इनमें से सबसे कम नंबर ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन सब में सेम है, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, तो मेरा आंसर बनेगा दिल्ली। रेडी ग्लूकोज, ओके। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बीच में। अब क्वेश्चन पढ़िए। हाँ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ गए, अभी भी और 17-18 क्वेश्चन बाकी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, समझ लीजिए। 4 मोलर 0.05 मोलर H2SO4 ml, सॉरी 0.05 मोलर H2SO4 दिया है, दूसरा एक ये सॉल्यूशन दिया है, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मालिटी बच्चों क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन, राइट। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, सिंपली आपको बच्चे लोग पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का है। तो हमें ये पता है फॉर्मूला, M1V1 + M2V2 इज इक्वल टू M3V3, राइट। तो हमें M1 ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 0.05 वॉल्यूम 4 ml, प्लस M2 कितना दिया है, 0.3 वॉल्यूम दिया है 6 ml, M3 जो फाइनल रिजल्टेंट मोलारिटी है वो मुझे पता करना है, एंड V3 तो कितना 4 ml + 6, तो टोटल 10 ml। तो मैं यहां पर लिखूंगा 10, तो यहां से बच्चे लोग मोलारिटी निकल जाएगी। यस, एंड नाउ वी नो दैट नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी, तो H2SO4 में आएगा 2, तो यहां से हम नॉर्मालिटी भी निकाल सकते हैं, राइट। तो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आंसर इसका C.4 नॉर्मल आएगा। चलिए ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका आंसर बी बेंजीन एंड टोल्यूने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। ओके, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ 10% W/WNA। ओके बच्चे लोग, तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, 10% W/WNA क्या मतलब है, 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और पर्टिकुलरली सॉल्वेंट की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं 90 ग्राम सॉल्वेंट। तो सिंपली मोलालिटी की फॉर्मूला लिखिए, 1000 मास ऑफ सॉल्यूट 10 रखिए, एक NaOH है तो मॉलिक्यूलर मास 40 एंड सॉल्वेंट का मास 90, रेडी। तो आंसर आपका ए निकल के आ जाएगा, ओके बच्चों। चलिए, हाँ ये काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैंने वो वाले वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और इसके नोट्स आपको अच्छी तरह से लिखने, रेडी। शायद आप में से कुछ आलसी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने दो तीन बार इसी वीडियो में बताया कि वो वीडियो देखना, लेकिन देखते हैं, चलिए देखना है नहीं देखेंगे, रेडी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो वीडियो में से सेम क्वेश्चन मैंने इधर भी ले लिया, क्योंकि कुछ के 2014 में आया था, एंड नोट्स भी मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर दिए हुए। बच्चे लोग देखना कैसे कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन को इसमें। फिक्स टेम्परेचर फ्रॉम द गिवन ग्राफ, फाइंड दैट विच गैस इज लोवेस्ट, सॉरी हैज लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी। तो बच्चे लोग लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी कैसे पता करनी है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। देखिए पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको ये तो जो मैंने यहाँ पर दिखाया हो तो आपको पता ही होगा, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये जो मेरी फॉर्मूला है उसको मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब कि इस फॉर्मूला में ये जो मेरा के एच इट इज अ माई स्लोप, राइट। एंड चलिए स्लोप का ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं गैस ए का स्लोप किस तरह से देखते हैं, इस तरह से। चलिए ये सारे स्लोप्स, राइट, ओके। चलिए कभी कभी बायोलॉजी वाले बच्चों को स्लोप में ज्यादा पता नहीं चलता है, तो सिंपली समझ लीजिए कि जो गैस ए वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, एक पत्थर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं गैस ए वाला एग्जांपल में, और एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं गैस डी वाला, राइट। दोनों पत्थर को मैं एक साथ छोड़ता हूं तो कौन सा पत्थर पहले नीचे आएगा, ऑब्वियसली ए वाला पत्थर पहले नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप का ऑर्डर मैंने यहां पर दिया हुआ है, ए में स्लोप सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो मैं स्लोप का ऑर्डर बताऊं, यहां के एच
दोनों सेम है, यस मुंडी हिलाइए, यस चलिए। तो अभी आगे देखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अभी मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाया, तो एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन के एच, मतलब कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। यस मतलब कि अगर के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब कम होगा। यस तो ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए बच्चे लोग, उसमें मुझे पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा स्लोप, स्लोप मतलब कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा के एच का वैल्यू किसमें है, ए का। तो के एच बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, तो यहां पर आंसर निकल के आएगा गैस ए, राइट। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो बच्चे ऐसे डिटेल में सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है, जल्दी जल्दी कुछ भी कोई भी काम करेंगे जितना जल्दी करते जाएंगे, चलिए फटाफट करते हैं फटाफट करते हैं, तो क्या मतलब। अगर आप समझ लीजिए कि ये वीडियो 1 घंटे का बन रहा है, आप थोड़ा स्किप करके फटाफट देखेंगे तो 30-40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जो बोर्ड एग्जाम का टेंशन जो धीरे धीरे देखेंगे, उसमें जो रिलीज होगा वो जो आप स्किप करेंगे उसमें होगा नहीं, राइट। तो वैसे ही मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने जो मेरे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडी, उनका मैंने सेशन लिया था, तो बच्चों को काफी मजा आया। और बच्चों की बात तो ठीक है, मुझे इतना इंटरनल इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ चलो आज बच्चों को मैंने कुछ अच्छा नोट्स देकर ट्रिक्स देकर मैंने पढ़ाया। 1.5 घंटे वो मेरा सेशन चला था और लास्ट के 15-20 मिनट तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ले लिया, नहीं तो 2 घंटे भी हो जाते। लेकिन पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्योंकि हम सबको पता है कि आप बच्चे लोग लास्ट 2 महीने से ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सभी सब्जेक्ट सब छूट गए, 2 महीने में सब कुछ आपके माइंड से वेपराइज हो गया है, तो अभी सब कुछ फिर से डालना है। और फिर से डालने में भी हम जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी करके कहाँ जाना है, रेडी। मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, शांति से पढ़ते हैं ना, ओके। हाँ तो ये आप इतना डिटेल में डिस्कस कीजिए। हाँ ये तो सिर्फ मैंने गुजकेट के PYQs डिस्कस किए, इसी तरह के लास्ट 15 ईयर्स के गुजरात बोर्ड के भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, रेडी। और बच्चे लोग आप सोचो कि जो पेपर सेटर, रेडी, जो पेपर सेट कर रहे हैं जो लोग, तो वो क्या करेंगे, लास्ट प्रीवियस के 15 क्वेश्चन में से 15 ईयर्स के क्वेश्चन में से उठा के कोई क्वेश्चन 2021 में रखेंगे? नहीं, लास्ट 15 ईयर्स के 20 ईयर्स के जो गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन है उसमें से किसी को उठा के रखेंगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ऑलरेडी वर्कशीट दे रखी है, जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मैंने अभी नहीं दिया है, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए मैंने उसको एक वर्कशीट आप लोगों को बच्चे लोग दिया हुआ है। उन लोगों ने उस वर्कशीट में हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी बेसिक लेवल के AIEEE नीट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, राइट, तो वो सारे मैंने क्वेश्चन मिलाकर आपको एक बंच दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो पेपर सेटर है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है उनके क्वेश्चन देख के, और वो सारे क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन मिलाकर एक मॉडिफाइड एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। जो बच्चे लोग उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने पिछले भी सारे वीडियो में बताया है, आज भी बता रहा हूँ, मैंने एक सिंपल एक छोटा सा पैकेज वाला क्वेश्चन निकाल एक मैंने एक कोर्स निकाला हुआ है, सिर्फ उसका प्राइस है 999। तो आप एनरोलमेंट उस कोर्स में कर सकते हैं, और एनरोलमेंट के बाद आप मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप डायरेक्टली 1-to-1 मेरे साथ आपके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। सेम आप फिजिक्स मैथ्स का भी एनरोलमेंट कर सकते हैं, और 1-to-1 सर के साथ आप पूरा आपका जो भी कंफ्यूजन है आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, राइट बच्चे लोग, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है 0.1, बढ़िया सा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन देखा और देखकर ही मुझे पता चल गया ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना पढ़ाने का भी एक मजा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, 0.1 मोलर NaCl 10 ml, रेडी, एक्वियस सॉल्यूशन हैविंग द सेम वॉल्यूम एज डिसोसिएट इनटू 1000 ड्रॉप्स, देन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 ड्रॉप। बच्चों समझ लीजिए, एक मेरे पास बॉटल है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है 0.1 मोलर, उसमें से मैंने 10 ml सेपरेट किया, राइट, तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.1 मोलर। उसको मैंने अभी 1000 ड्रॉप्स, छोटे 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 बूंद 1000 ड्रॉप्स में मैंने उसको डिवाइड किया, एंड अभी जितने भी ड्रॉप्स है उसमें से सभी ड्रॉप्स के किसी भी एक ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अरे उतना ही होगा ना बच्चे लोग, रेडी, कुछ चेंज नहीं होगा। सिंपली एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कि आपके अगर 5-10 अगर गेस्ट आए हुए, आपके मम्मी ने उनके लिए कोई शरबत वगैरह कुछ बनाया, रेडी, तो एक शरबत वगैरह कुछ भी एक तपेली वगैरह में कुछ बनाया, फिर क्या किया,
ग्लास में 1 2 3 4 5 6 जितने भी ग्लास भरने हैं उतने ग्लास भर दिए। अब सभी ग्लास में टेस्ट करेंगे तो सब में अलग अलग टेस्ट आएगा। अगर आप स्पून में लेकर थोड़ा सा ऐसे टेस्ट करेंगे तो क्या अलग टेस्ट रहे? नहीं, सभी में टेस्ट क्या बनेगा? सेम टेस्ट रहेगा ना। मतलब ये कंसंट्रेशन, अगर आप उस सेम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो रेडी, ये मेरे पास पानी है, मैं इसमें से एक घूंट पानी पी रहा हूं। समझ लीजिए कि ये शरबत है। तो अभी मैंने टेस्ट किया, अभी 5-10 मिनट के बाद दूसरी बार मैं पी रहा हूं, तो क्या टेस्ट अलग आएगा इसका? नहीं, सेम टेस्ट रहेगा। राइट, मतलब कि अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 1000 या 10,000 में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। जो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ओके, अच्छा था ना क्वेश्चन? सॉरी, इसमें यहां पर एक आंसर में मिस्टेक है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। चलिए 22, एट फिक्स्ड टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया एक्वस सॉल्यूशन आर द सेम। इफ 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर। थोड़ा क्वेश्चन शांति से समझो बच्चों, रेडी? हिंट अच्छी तरह से मैंने यहां पर दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। मुझे ऐसा बता गया है कि सुक्रोज एंड यूरिया, ये दो सॉल्यूशन है, उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि मोल्स पर डिपेंड करती है। यस, तो जिन दो सॉल्यूशन के मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस इक्वल हो गए, उनके ही बॉइलिंग पॉइंट सेम आने वाला। यस, मतलब कि ये सुक्रोज और यूरिया का मुझे ऐसा सॉल्यूशन रेडी करना है। एक तरफ मैंने यूरिया का मुझे डिफाइन मुझे दिया हुआ है, 3 ग्राम यूरिया को मुझे 1 लीटर में डिजोल्व करके रेडी एक सॉल्यूशन बनाया है। तो अभी ग्लूकोज का रेडी मुझे कितने ग्राम डिजोल्व करने हैं उसमें, राइट? तो सिंपली आप एक यहां पर मैंने जो हिंट दिया वो हिंट को, ये स्मार्ट टिप्स है बच्चे लोग, वो जो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ उसमें इस तरह के सभी सिंगल सिंगल सभी क्वेश्चन के पूरे चैप्टर के स्मार्ट टिप्स दिए हुए, तो वो भी वीडियो आप आज शाम को, कल रात को, जब भी आपको टाइम मिले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद शांति से वो भी देख लेना, सभी नोट्स लिख लेना, तो आप अच्छे खासे आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। तो चलिए स्मार्ट टिप्स में क्या लिखा है, फॉर इक्वी मोलर सॉल्यूशन जिनके कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उनके डेल्टा टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट रेडी सेम आएंगे। यस, एंड डेल्टा टी बी इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देखिए मैंने क्या यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है कि दोनों के मोल्स फॉर द सेम बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के मोल्स कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो मोल्स को मैंने सेम ले लिया, मोल सेम, तो मैंने जो नीचे डेटा रखा है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास। यस, तो वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर निकल गया आएगा 17.1, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर राउल्स लॉ। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर यहां पर ए है, सॉल्यूट गेट्स डिसोसिएट इनटू सॉल्यूट। तो ऐसा राउल्ट ने बताया नहीं था, रेडी? दूसरे ऑप्शन आप देख लीजिए, राउल्ट लॉ के लिमिटेशन लॉ सब कुछ बुक में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। 24, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पोलीमर विच न्यूमेरिकल फैक्टर इज मोर यूजफुल। बच्चे लोग इसमें आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप सोचेंगे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक रहते हैं, लेकिन ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वाला मास वाला टॉपिक है उसमें बताया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 2020-21 की प्रिपरेशन के लिए गुजकेट का जो वीडियो मेरा ये देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि ड्यू टू COVID-19, राइट, आपको पता है कि 2020 का जो हमारा ये सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक बट पर 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, तो उसमें ये जो वाला पोर्शन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वन टॉप फैक्टर, ये पॉइंट टेम्पररी इस ईयर के लिए स्किप कर दिया गया था। मैंने तो क्वेश्चन ले लिया क्योंकि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके ओके, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल सॉल्यूट। बच्चे लोग 1 मोलल का आपको मतलब पता होना चाहिए, 1 मोल सॉल्यूट दिया है, रेडी? तो 1 मोल सॉल्यूट एंड मोलालिटी है इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ना बच्चे लोग, तो समझ लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले N2
अपॉन एन वन प्लस एन टू, रेडी? तो एन टू तो ऑब्वियसली वो तो मुझे पता है कितना है, वन। एन वन वाटर के मोल्स मतलब के सॉल्वेंट के, तो 1000 है, उसके बाद नीचे डिवाइड बाय 18 करूंगा तो निकलेगा 55.55। सबको पता है ये 55.55 प्लस वन, तो इस तरह के मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। रेडी? आंसर बनेगा इसका बी। अगेन सेम क्वेश्चन, हाईएस्ट वेपर प्रेशर जिसमें नंबर ऑफ आयंस लोएस्ट है, तो आंसर बनेगा इसमें डी। यस, ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। रेडी? मोस्ट मोस्ट एंड माय फेवरेट क्वेश्चन ये गुजके 2017 है, अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो AIEEE 2007, रेडी? जेई 2000 या कुछ, आई थिंक 2007-9 कुछ है, लेकिन AIEEE में भी सेम इस तरह का क्वेश्चन आया था। AIEEE 2007 है आई थिंक, रेडी? चलिए, ये क्वेश्चन आपको पता कैसा करना है, इस तरह से इसमें दिया होगा 1.6% आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन है, रेडी? ओके, इट इज आइसोटोनिक विद 2.4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। बोथ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट सेम, इट्स डेंसिटी इज दिस, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कि जनरली हमें दो सॉल्यूशन दिए होंगे, उसमें से एक सॉल्यूशन ऑलवेज अननोन दिया होगा और एक सॉल्यूशन जनरली ऑलमोस्ट जनरली तो यूरिया ही देते हैं, रेडी? अगर कोई चेंज करता है तो देख लेना। तो कैसे करना है इस तरह का सॉल्यूशन कंपेयर करना है हमें, तो मैंने पहले इसके लिए जो स्मार्ट टिप्स दी हुई बच्चे लोग ये देखिए। स्मार्ट टिप्स क्या है? आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, यस, ओके। नीचे मैंने लिखा है पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी, तो दोनों में से हमारा आर टी कैंसिल हो जाएगा, ओके। परसेंटेज दिया है बच्चे लोग, तो परसेंटेज में दोनों में वॉल्यूम भी सेम रहेगा, 100 ml 100 ml, तो वो भी निकल गया। तो बचा क्या? डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम। तो बच्चे लोग आपको ये फॉर्मूला रट्टा करना है, मतलब रट्टा मार दीजिए इसका, रेडी? ओके, यहां तक पहुंच गए, अभी आगे क्या करना है? तो सिंपली W by M, तो यूरिया वाला जो सॉल्यूशन है उसके ग्राम्स है 2.4, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60, अननोन सॉल्यूशन उसका ग्राम्स मुझे 1.6 जो परसेंटेज में दिया है वो, और मॉलिक्यूलर मास तो अननोन मुझे पता करना है, तो आप यहां से मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं, राइट? तो आंसर निकल के क्या आता है? आंसर निकल के आएगा आपका 40, राइट? ओके, तो अभी 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट विल हैव बॉइलिंग पॉइंट 102 पॉइंट, दिस मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज दिस, कुछ कहे 2017। मतलब कि नीचे जो सॉल्यूशन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट लिखा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर सॉल्यूशन होना चाहिए, तो क्वेश्चन अच्छी तरह से सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव बॉइलिंग पॉइंट 102.2 रेड डिग्री सेल्सियस, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, राइट बच्चों? तो अगर एन ए सी एल है तो आपको यहाँ पर 2 लेना है, रेडी? बाकी तो ग्लूकोज और उनमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा नहीं, तो 102, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एलिवेशन कितना रहेगा, तो एलिवेशन आएगा बच्चे लोग 2.2, रेडी? वाटर का जनरली हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो एलिवेशन 2 डिग्री का एलिवेशन है। आई आप सिलेक्ट कर सकते हैं, के बी यहाँ पर वाटर का ऑलरेडी 2.2 दिया है, एंड हर बार मोलालिटी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ये मोला कैपिटल एम प्रिंट हो गया लेकिन स्मॉल एम ही होना चाहिए, तो अब यहाँ पर 1 लेकर आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसमें बी निकल के आता है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, हाँ थोड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन दिया है मुझे, के एक्स एफ ई सी एन 6 इज दिस मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट दिस, ओके, सॉल्यूट गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएट देन इफ, यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर प्रिंटिंग में है, इफ सॉल्यूट गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएटेड देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास। बच्चे लोग हमें सिंपली मोलालिटी की फॉर्मूला जो डेल्टा टीबी वाली है वही यूज करें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें ये पता करना है। देखो ये के एक्स एफ ई सी एन 6 वाला पार्ट हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया था 0.001 मोलर, तो मुझे यहाँ पर बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूला में क्या करूँगा, फ्रीजिंग है तो डेल्टा टी एफ आई इन टू के एफ
इनटू मोलालिटी, डेल्टा टी अब बच्चों लोग कितना होगा, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 0.0744 इज इक्वल टू आई, के एफ मुझे दिया है 1.86 एंड मोलालिटी ऑलरेडी गिवन 0.01। तो यहां से बच्चे लोग हम ये आई पता कर सकते हैं। यस, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है यहां से आई निकल के आएगा 4। मतलब कि ये जो कंपाउंड है हमारा, इसमें हमें करना क्या था बच्चे लोग, तो ये जो हमारा के यहां पर एक्स लिया हुआ है तो एक्स की जगह पर 1, 2, 3, 4 क्या आएगा, तो बच्चे लोग टोटल नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होकर कितना बन रहा है यहां पर 4। मतलब कि यहां पर आंसर बी बनेगा। क्यों बच्चे लोग, क्योंकि बी में अगर मैं इसका डिसोसिएशन करूंगा तो ये 3K प्लस जनरेट होगा एंड ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट। तो बच्चे लोग आयंस कितने बने, 3 + 1 = 4, राइट। तो यहां पर आंसर हमारा बनेगा बी। अच्छा क्वेश्चन था, रेडी। इनडायरेक्टली आपको पूछा गया था कि आई आप यहां पर निकाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, रेडी, इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर दीजिएगा। चलिए, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें सिंपली नॉन आइडियल सॉल्यूशन पता करना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 6% W/V यूरिया सॉल्यूशन। तो मुझे बच्चे लोग 6% W/V ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों, 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। तो पहले यूरिया के बच्चे लोग मोल्स निकाल लेते हैं, 6 ग्राम दिया हुआ है ना, तो 6 गिवन मास एंड मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 60, मतलब 0.1 मोलर वाला सॉल्यूशन निकला। तो अब धड़ाम करके बोलेंगे यस, आंसर बनेगा सी। नहीं बच्चे लोग, रेडी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहां पर मैंने मोलारिटी लिखा, एक्चुअली तो मोलारिटी लिखो या मोल्स सेम ही आएगा, ये पर 0.1 मोल्स, इग्नोर दैट, रेडी, सेम ही है। तो चलिए, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, तो ये जो NaCl वाला है, रेडी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें क्या करना पड़ेगा, NaCl में हमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो हम क्या करते हैं, इसमें मोल्स ऑफ यूरिया इन I इनटू मोल्स ऑफ NaCl, तो यूरिया के जितने भी मोल्स है, समझ लीजिए यूरिया के 0.1 मोल है, NaCl के लिए बच्चे लोग I का वैल्यू हमें पता है 2, तो हम क्या करेंगे, 0.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl, तो ये बनेगा पॉइंट क्या, बोलिए बच्चे, 0.1 का 0.5, रेडी। तो ये यहां पर आंसर निकल के आता है मेरा बी, ओके। तो इसका हाफ समझ में आ गया आपको, यस, ओके बच्चों। तो चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 32, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आया, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि pH इज इक्वल टू 1 है, हमें पता करना है नॉर्मालिटी, राइट, ओके। तो आप सोचेंगे सर, जब अच्छा क्वेश्चन आते तब आप बोलते यस अब मजा आएगा, आपको मजा आता है, हमारी तो बैंड बज जाती है ना, हाँ बच्चे लोग आपकी बैंड बज जाती है, लेकिन ये सारे अगर ट्रिक्स आप लोगों ने सीख कर रखे हुए हैं तो बैंड नहीं बजेगी, राइट। तो चलिए सीखिए पहले कि अगर pH बच्चे लोग दिया हुआ है pH इज इक्वल टू 1, तो क्या करना है, एक सीख लीजिए एक बार। तो हमें H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो भी 1 दिया है तो उसको 10 के पावर में लेकर माइनस करना है, मतलब 10^-1, तो ये है 0.1 मोलर, राइट। चलिए, अभी H2SO4 में पहले भी जैसे मैंने लिखा था वैसे स्टेप लिखते हैं, क्या स्टेप था, H2SO4 gives 2H plus plus SO4 2 minus। अगर ये 0.1 है तो ऑब्वियसली ये इससे हाफ 0.05 मोलर होना चाहिए, यस पता चलता है, ओके। अभी मुझे पता करना है नॉर्मालिटी, तो बच्चे लोग नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, H2SO4 तो मल्टीप्लाइड बाई 2, मोलारिटी 0.05 × 2, तो अगेन आंसर क्या बनेगा, वापिस से जो हमारी आगे आई थी 1 वैल्यू 0.1, तो नॉर्मलिटी आ गई 1, तो इसमें आंसर होना चाहिए था सी, यस, और आंसर है सी।
ओके, इफ डिसोसिएशन फैक्टर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ के थ्री एफ ई सी एन सिक्स अल्फा इज दिस देन फाइंड वन टॉप फैक्टर। सिंपली बच्चों का बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो इसमें अल्फा का वैल्यू आप क्या लेंगे, 0.0078 आई हमें पता करना है माइनस वन। एन बच्चों लोग कितना होगा, तो ऑब्वियसली के थ्री एफ ई सी एन सिक्स दिया हुआ है तो के थ्री मतलब कि तीन के एक ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वन, टोटल नंबर ऑफ आयंस बने फोर माइनस वन। तो इसमें से अगर बच्चे लोग आप आई को सब्जेक्ट करेंगे तो आई आप निकाल पाएंगे, आंसर आपका बनेगा बी। ओके चलिए अभी थोड़ा आगे फिर से, ओके लास्ट अभी तीन चार क्वेश्चन बचे हैं। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी देकर रखा हुआ है मुझे कितना 0.05, 2019 तक तो आ गए ना, इंक्रीज मतलब एलिवेशन दिया है, इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.16, देन व्हाट विल द मोल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलालिटी दिया हुआ है हमें के बी पता करना है ये 0.16 इंटू मोलालिटी 0.05, तो आप के बी यहां से निकाल पाएंगे, आंसर आएगा ए 3.235। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ, वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है, तो मोलालिटी में वॉल्यूम आता है, मोलालिटी में वॉल्यूम फैक्टर नहीं आता है, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम फैक्टर आता है, फॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम फैक्टर आता है, तो ऑब्वियसली कि मोलालिटी में नहीं आ रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। ओके चलिए अगेन उसी तरह का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट 2020 में आ गए बच्चे लोग, यस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड डज नॉट डिपेंड, किस पे ये डिपेंड नहीं करता, कौन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, तो प्रेशर पर बच्चे लोग डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, राइट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे यस डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे यस, पोलर है नॉन पोलर है रेडी, वो सब चीजें डिपेंड करता है, तो यहाँ पर सिंपली आंसर डी मतलब कि ये प्रेशर वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यस, मोलालिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट हैविंग द मोल फ्रैक्शन, बच्चों ऐसा क्वेश्चन आगे आ गया है राइट, नहीं आया है, आगे क्या दिया था हमें, मोलालिटी दी हुई थी, उसमें से मोल फ्रैक्शन इजी है, लेकिन मोल फ्रैक्शन पे से मोलालिटी टफ है। आप देखना 2020 के जितने भी दो क्वेश्चन है सुपर क्वेश्चन है, मैंने ये जो पूरा एक पेपर का मैंने एक आपको एक एनालिसिस करके दिया था, जिन बच्चों लोगों ने 2020 पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो वो भी वीडियो प्लीज वो देख लेना, क्योंकि आप लोग देखेंगे इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन था, ये मीडियम है, उसके बाद अभी जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा 38 वो तो बवाल है बवाल, मतलब मैंने एनालिसिस में बच्चे लोग आपको बताया था कि जिन जिन चैप्टर में से तीन क्वेश्चन आते हैं तो वो लेवल क्या था, क्या लेवल किस तरह का रहता है, इजी लेवल, उसके बाद थोड़ा टफ और उसके बाद महा टफ है ना, हाँ, तो इस तरह का लेवल रहता है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन दिया, उस पे से मोलालिटी किस तरह से निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में कहीं पर दिया नहीं है, ये नया एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, राइट। तो मोलालिटी निकालते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी, राइट बच्चों लोग, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी, तो यहाँ पर पॉइंट मैं क्या ले लूंगा 25,000 तो है, एक्स ए सॉल्वेंट के ऑब्वियसली ये 0.25 है तो ये 0.75 मॉलिकुलर मास, वाटर का एक्वियस मुझे बताया है यहाँ पर, तो वाटर का मॉलिकुलर मास कितना है बच्चे लोग 18, रेडी। तो ये मोलालिटी इसकी मैं फाइंड करूंगा तो निकल के कितनी आएगी ए, तो अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सिंपल है, वरना फाइंड करते ही जाएंगे इसमें से ये निकालेंगे वो निकालेंगे, टाइम ज़्यादा चला जाएगा तो हमें 60 मिनट में 40 क्वेश्चन फोड़ने हैं बच्चे लोग, तो अच्छी तरह से नहीं फूटेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ रेडी। तो अभी कितना टाइम होगा हम देखेंगे कि हम 38 क्वेश्चन डिस्कस करने में भी कितना टाइम लगा रहे हैं। 38 लास्ट सुपर डेंजरस क्वेश्चन,
अच्छे अच्छे बच्चों के गुज के लिए 2020 में इस क्वेश्चन में छक्के छूट गए थे। ये क्वेश्चन देखकर बच्चे लोग आपको गुजकेट का लेवल समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये जो है ना गुजकेट से भी ऊपर आता है, थोड़ा नीट का लेवल, नीट से भी ऊपर आता है लेवल जेई का, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। तो आप सोचिएगा गुजकेट में भी कैसे भी क्वेश्चन आने वाला है। अगर इतना सा बस PYQs करके बैठ गए तो गए समझो, अरे सभी चैप्टर्स में से इतने टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि 30% 40% तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसको फोड़ते फोड़ते आपके होश उड़ जाएंगे। रेडी? तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रेडी? पर्टिकुलर गाइडेंस कोचिंग की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। घर पर बैठकर अपने आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इस तरह से नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके तब आपको पता चलेगा कि नहीं जो सर ने बताया वो सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर, रेडी, ऑफ 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कोई भी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन है C3H6 का, pH यहाँ पर 2 दिया हुआ है, टेम्परेचर T पर हमें फाइंड करना है। तो कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पा इज इक्वल टू CRT, ऐसा करके आए थे प्रीवियस से सभी बच्चे। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 × R × T, तो अच्छा आंसर क्या आएगा, C करके आ जाते हैं। मेथड गलत है, रेडी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, तो pH यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, ऐसे ही बस सिर्फ हैंडशेक करने के लिए, हाय बच्चों मैं PH2 हूँ, ये करने के लिए दिया है, कुछ वैल्यू है भाई, तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बच्चे लोग ये मैं सॉल्यूशन जो लिखा है मैं मिटा देता हूँ, समझो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। रेडी? इक्विलिब्रियम चैप्टर से समझ लीजिए, ये हमें दिया गया है 2 pH। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 pH का कुछ मतलब है, 0.5 मोलर का भी कुछ मतलब है। तो मैं बच्चे लोग पहले क्या करता हूँ, देखिए मैं पहले करता हूं यहां पर pH इज इक्वल टू 2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू 10⁻², मतलब 0.01 मोल। राइट बच्चे लोग? चलिए अभी मुझे इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमें ऐसा पढ़ाया गया था CH3COOH, रेडी, उसको हम वाटर में डिजोल्व करके अगर इसका डिसोशिएट करेंगे, राइट, तो क्या बनेगा, ये यहां पर से जनरेट करेगा H3O+ एंड ये जनरेट करेगा CH3COO-। फिर हम यहां पर ऐसा लिखते थे, बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में हम आपको याद होगा ऐसा लिख रहे थे, 0 लिख, सॉरी इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख रहे थे। रेडी? जो भी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दिया था, 0.5 0.5 सामने 2 0 0, फिर उसके बाद 1 - α, अल्फा 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 सी, 1 - α से, ऐसा याद होगा आपको, ऐसा हम लिखते थे, राइट। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए ऐसा था, 1 - α C H3O+ का अल्फा सी, CH3COO- का भी अल्फा सी, मतलब कि यहां से मुझे क्या चाहिए था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू अल्फा सी, राइट। तो अगर मैं इसमें अल्फा को सब्जेक्ट बनाता हूं तो अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ अपॉन सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ बच्चे लोग क्या है, तो ये मैंने अभी ऊपर मुझे दिखाया गया था ये वाला, यस दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, यस, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.01, ओके, डिवाइड बाय मैं कॉन्सेंट्रेशन सी करूंगा जो मुझे दिया था 0.5। ये क्वेश्चन में पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं यहां पर कैलकुलेटर में मेरे फोन में, यस। चलिए देखते, 0.01 डिवाइड बाय 0.5 करता हूं तो निकल के आता है 0.02, ये अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गया, यस। उसके बाद में क्या कर रहा हूं, आई नो दैट अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, अल्फा का वैल्यू निकल गया है 0.02, आई तो मुझे पता करना है -1, ओके CA3C, ये जो CA3C, माई एक्सपेक्टेशन इज दैट कि इसमें ऐसा होना चाहिए, राइट, मतलब कि नंबर ऑफ आयंस इसमें 2 होना चाहिए, ऑब्वियसली आई नो दैट दिस इज द वीक एसिड, इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैं इसका आई निकाल रहा हूं, इसलिए तो ये पूरी हमने यहां पर मेहनत की है। रेडी? ओके, तो यहां पर क्या हुआ बच्चे लोग,
0.02 इज इक्वल टू आई माइनस वन, तो मेरा आई निकल के आया 1.02। यस, कुछ कुछ बच्चे गलती यहां पर ये कर जाते हैं कि यहां पर ऑप्शन में देखेंगे बच्चों तो बी ऑप्शन दिया हुआ है राइट 1.02, वो टिक कर नहीं, अभी तो पाई निकालना बाकी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, तो I मेरा है 1.02, कॉन्सेंट्रेशन C है 0.5 इंटू आर टी। अगर 1.02 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा निकल के कितना आता है मैं देख लेता हूँ, 1. ये जो भी आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा C, मतलब कि 0.51 आर टी। तो लास्ट में था, लेकिन अभी सॉल्यूशन देखकर आपको ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे 1 मिनट में, मतलब 1.5, मुझे एवरेज देखा जाए तो हमें 1.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इतना बारीक क्वेश्चन, और आपको देखकर लगेगा ये जेईई नीट लेवल का क्वेश्चन है। पहले मुझे पीएच वाला लॉजिक पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के हमने जो क्वेश्चन अभी जो पीवाईक्यू सॉल्व किया तो उससे कुछ बेनिफिट हुआ? यस हुआ ना, पीएच का कुछ समझ में तो आया। यस, पीवाईक्यूज में ऐसे 2016, 17, 5, 2, 3 समथिंग कुछ कोई ना कोई जगह पर ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो पीएच वाला लॉजिक तो मुझे इसमें अच्छे से मिल गया। फिर बीच में ये इक्विलिब्रियम को मुझे थोड़ा अप्लाई करना पड़ा राइट, तो ये पूरा पोर्शन कहाँ गया? इक्विलिब्रियम चैप्टर में चला गया, तो वो तो मुझे याद नहीं है, मैं 11th में भूल गया हूँ। इसीलिए तो बच्चों इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेडी। आप लोगों ने समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर इस तरह के 38 क्वेश्चन कर दिए, और अगर नेक्स्ट ईयर मतलब ये 2021 में कुछ अड़बंग ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि जो ये 38 क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं करता है, तो मेहनत वेस्ट हो जाएगा बच्चे को राइट। उसके बाद वो वाला अल्फा वाला, यस अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, उसमें से मैंने आई निकाला। उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप किया वो भी फॉर्मूला पहले आया था। यस, मतलब कि छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया, और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 11th स्टैंडर्ड भी थोड़ा यूज करना पड़े बच्चों लोग राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आप अकेले अकेले ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो इसमें आप इतना ज़्यादा इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। आपके ये जो पीवाईक्यूज का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की मैंने लिंक दी हुई है, ये भी आप पूरा देख लेंगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स फोड़ पाएंगे। लेकिन जो बच्चों 40 आउट ऑफ 40, 38, 37, 39 ऐसे केमिस्ट्री में, इसी तरह के फिजिक्स में, मैथ्स में मार्क्स फोड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको किसी की पर्टिकुलर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। उनके गाइडेंस में अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, डाउट सॉल्विंग कीजिए, उसके बाद ही आपका इतना अच्छा नंबर हो पाएगा। आई होप बच्चे लोग कि मैंने ये जो एफर्ट दिया रे, आप मेरे एफर्ट को लाइक करेंगे, कुछ अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा, और इस तरह के दूसरे भी चैप्टर्स हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे। और ऑब्वियसली कि ये वीडियो आप आपके फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस का ये पूरा जो सेशन है उसके बेनिफिट ले सके, वो भी लाइक कर सके, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सके राइट। बच्चे लोग इसी से ही हमें एनर्जी मिलती है, आपने बोला था इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। आप जितने अच्छे ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसके लिए इतना जल्दी नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आएगा, उतना मुझे जल्दी मज़ा आएगा करने के लिए। ओके बच्चे लोग, तो चलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वो वाला भी वीडियो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी वेट कीजिए। टाटा बाय बाय।